गाइस, अगर आप लोगों को GTA 5 अपने फोन पे चलाना है तो आज वाली इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को GTA 5 के साथ साथ काफी PC एंड कंसोल गेम्स अपने मोबाइल फोन पर खेलकर दिखाऊंगा। इसके लिए गाइस मैंने इंडिया के 2 बेस्ट क्लाउड गेमिंग ऐप को चूज किया, जो सिर्फ GTA 5 को ही नहीं बल्कि PC एंड कंसोल के काफी बड़े बड़े गेम्स को मोबाइल फोन पर चला सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मेक श्योर गाइस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा एंड गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और भी गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। So guys, सबसे पहले मैंने ट्राई किया चीकी ऐप को मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया एंड गाइस डाउनलोड करने के बाद मैंने इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन किया एंड ओपन करने के बाद मैंने देखा कि इस एप्लीकेशन के अंदर GTA 5 के साथ साथ काफी सारे पीसी एंड कंसोल गेम्स अवेलेबल है। मैंने सबसे पहले ट्राई किया GTA 5 को एंड लिटरली गाइस मैं काफी ज्यादा शॉक रह गया। GTA 5 इसमें काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है गाइस, इसी वजह से मैंने GTA 5 को काफी देर तक खेला एंड काफी ज्यादा एंजॉय भी किया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने काफी सारी मिशंस को भी कंप्लीट किया गाइस। मैंने GTA 5 की फुल सिटी को एक्सप्लोर किया एंड पूरी सिटी में काफी ज्यादा घूमा एंड आपको बता दूं गाइस गेम खेलते वक्त मुझे कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला। गाइस मुझे इस ऐप के कंट्रोलर भी काफी ज्यादा पसंद आया एंड इन कंट्रोलर्स की मदद से आप लोग काफी इजीली कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक चीज है जो मुझे इस ऐप की ज्यादा अच्छी नहीं लगी, वो ये कि अगर आप लोगों को GTA 5 जैसे फेमस गेम्स को खेलना है ना तो आप लोगों को काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। इसलिए मुझे GTA 5 को खेलने के लिए पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ गया, बट मैंने 1 घंटा आराम से वेट किया क्योंकि मुझे GTA 5 खेलने को मिल रहा था वो भी बिल्कुल फ्री में। फिर गाइस मैंने GTA 5 के बाद ट्राई किया गॉड ऑफ वॉर 4 को एंड लिटरली गाइस गॉड ऑफ वॉर 4 तो GTA 5 से भी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। गाइस अगर सच बताऊं तो आज से पहले मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 कभी नहीं खेला था, बट गाइस इस एप्लीकेशन में खेलने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे मजा आ गया। गॉड ऑफ वॉर 4 इतना ज्यादा स्मूथ चल रहा था कि मैंने इस गेम को काफी ज्यादा टाइम तक खेला, इवन GTA 5 से भी ज्यादा मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 को खेला। सबसे ज्यादा खास बात तो यह कि गॉड ऑफ वॉर 4 खेलने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा था, वही मुझे GTA 5 को खेलने के लिए पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ गया। इतना ही नहीं बल्कि मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 गेम को काफी ज्यादा देर तक खेला। कमाल की बात तो यह थी कि गॉड ऑफ वॉर 4 खेलते वक्त ही मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। एक प्रॉब्लम यह आ रही थी कि गेम खेलते वक्त कभी कभी पिंग हाई हो जाए, नॉर्मल प्रॉब्लम है गाइस। अगर आप लोग भी खेलोगे तो आप लोगों को भी पिंग इशू देखने को मिलेगा, बट काफी ज्यादा है। गॉड ऑफ वॉर 4 के बाद मैंने ट्राई किया होर्ज़ा होराइज़न 5 एंड बिलीव मी होर्ज़ा होराइज़न 5 गेम की ग्राफिक्स काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल थे। ऊपर से गाइस होर्ज़ा होराइज़न 5 चीकी एप्लीकेशन के अंदर काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। इस गेम के ग्राफिक्स के साथ साथ इस गेम का जो एनवायरमेंट है ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा मजा आया इस गेम को खेलने में। यही बात कि आप लोगों को होर्ज़ा होराइज़न 5 गेम खेलने के लिए कितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के अंदर, तो गाइस आपको बता दूं आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस गेम को खेलने के लिए गाइस ज्यादा से ज्यादा मुझे 25 मिनट तक वेट करना पड़ा था, तो आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट ही वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग होर्ज़ा होराइज़न 5 को भी खेल पाओगे। गाइस GTA 5 गॉड ऑफ वॉर 4 एंड होर्ज़ा होराइज़न 5 खेलने के बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चीकी एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन। सो गाइस ओवरऑल चीकी एप्लीकेशन के अंदर मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा चला, क्योंकि मैंने जितने भी गेम्स खेले चीकी एप्लीकेशन के अंदर वो सारे के सारे काफी ज्यादा बढ़िया चले। एंड अब गाइस चीकी के बाद मैंने ट्राई किया था नेटबूम एप्लीकेशन एंड इस एप्लीकेशन को मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैंने ओपन किया एंड गाइस बिलीव मी मैंने वहां पर देखा कि इस एप्लीकेशन के अंदर भी चीकी की तरह काफी सारे अमेजिंग गेम्स अवेलेबल हैं। मैंने सबसे पहले ट्राई किया डेज गोन गेम गाइस एंड बिलीव मी गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा था। इस गेम को मैंने काफी ज्यादा देर तक खेला क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे एंड इस गेम की स्टोरी भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। एंड गाइस कमाल की बात तो यह है कि चीकी एप्लीकेशन की तरह मैं इस एप्लीकेशन के अंदर भी काफी सारे गेम्स बिल्कुल फ्री में खेल पा रहा था। इस एप्लीकेशन के अंदर यानी कि नेटबूम एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को कुछ कॉइंस अर्न करने पड़ते हैं, जो आप लोग कुछ टास्क कंप्लीट करके अर्न कर सकते हो एंड इजीली फ्री में गेम्स खेल सकते हो। काफी देर तक डेज गोन गेम खेलने के बाद मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि इस एप्लीकेशन यानी कि नेटबूम एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस मेरा काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि चीकी एप्लीकेशन एंड नेटबूम एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन से आप लोग इन्हीं एप्लीकेशन को ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि चीकी एंड नेटबूम के अलावा मैंने कोई और एप्लीकेशन ट्राई नहीं किया, नहीं मैंने काफी एप्लीकेशन ट्राई किए थे बट मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ इन्हीं दोनों एप्लीकेशन में काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को पीसी एंड कंसोल गेम्स खेलने हैं, GTA 5 को अपने मोबाइल फोन में खेलना है, तो आप लोग चीकी एप्लीकेशन एंड नेटबूम में खेल सकते हैं। दैट्स फॉर टुडे मेरे भाइयों। गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा एंड गाइस अगर मैं डिसर्व करता हूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, दिस इज मी आपका भाई साइनिंग ऑफ, लव यू गेमर्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलूंगा आप सभी से एक और फ्रेश वीडियो में। बाय बाय गेमर्स, पीस आउट।